Dear students, today I am teaching you class number 6, Assam Assam. Assam is a state located in the northeastern part of India. Bharat ke uttar puri bhag mein Assam Rajya sthit hai. It is situated just below the eastern Himalaya plateaus. Yeh hai हिमालय की पहाड़ियों के नीचे पूर्वी भाग में स्थित है. इट इज सराउंडेड बाई द सी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, विच टुगेदर विद आसाम आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स. यह है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय जो एक साथ आसाम के साथ स्थित हैं, सात बहनें कहलाती हैं. दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम. दिसपुर आसाम की राजधानी है. आसाम इज ए लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी. आसाम प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ भूमि है. इट हैज़ ब्लू हिल्स, डेंस फॉरेस्ट विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना. यह फ्लोरा फौना पहाड़ की जंगलों से घिरा हुआ है. पहाड़ी बिग रिवर्स, यहाँ पर बड़ी नदियाँ हैं. फर्टाइल पेजेस, उपजाऊ भूमि घाटी है. आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट ऑफ इंडिया. आसाम भारत में संसार की सबसे बड़ी चाय उगाने वाले राज्य है. दी ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्लोज थ्रू आसाम. ब्रह्मपुत्र नदी, महान नदी आसाम से होकर बहती है. एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन हियर. यहाँ पर मुख्य उपज कृषि है. राइस, फ्रूट, जूट, शुगर कैन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट्स. आसाम के मुख्य जो फसलें हैं, चावल, फल, जूट, शुगर कैन और चाय यहाँ की उत्पादक हैं. दी स्टेट रूसो प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी. राज्य में सबसे अधिक जो उपज है भारत की, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, चाय उगती है. दी स्टेट इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. राज्य और प्राकृतिक संसाधनों से भी भरा हुआ है, जैसे ऑयल, गैस, कोल और आयरन स्टोन. दी ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोएट्री एंड टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बंबू क्राफ्ट, सिल्क एंड कॉटन वीविंग एंड वुड क्राफ्ट और सम मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ आसाम. यहाँ पर चाय, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी बनाना, बंबू बांस को बना, सिल्क और कॉटन की बुनाई तथा वुड क्राफ्ट यहाँ की बहुत बड़ी जो है संसाधन है, जो यहाँ आसाम के लोगों को व्यवसाय देती है. आसाम इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेचुरल पार्क. उसके प्राकृतिक पार्क के लिए भी प्रसिद्ध है. नेशनल पार्क इज लार्ज एरिया फॉरेस्ट है. यहाँ पर नेशनल पार्क का जंगलों की भूमि से बहुत भारत बड़ा घिरा हुआ है. दी गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क. गवर्नमेंट उनके पार्कों की देखभाल करती है. काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस. यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क फिर बहुत प्रसिद्ध है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिनोसर्स, एलिफेंट, एलिफेंट एंड इंडियन पैसन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा.
यू कैन गो इन एन ओपन डीप, तुम खुली में वहाँ जा सकते हो या कार से जा सकते हो और मिनी बस से जा सकते हो। एंड टू फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल, इन जो घने जंगलों को देखने के लिए यहाँ पर जानवर हैं, जंगली जानवर मिलते हैं। इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रेवल इन एलिफेंट्स बैक, अगर तुम चाहो तो एलिफेंट पार्टी की पीठ पर बैठ कर भी यात्रा कर सकते हो। डिपू पुल ऑफ आसाम स्पीक आसामी और आसामी असमिया या आसामी भाषा यहाँ के लोग बोलते हैं। आसाम इज ऑल्सो लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, आसाम त्योहारों की भूमि भी है कहलाती है। बिहू इज ए फेमस आसामी फेस्टिवल, बिहू यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, या मई अप्रैल के महीने मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम द रिलीजियस टेक पार्ट सेलिब्रेशन, धार्मिक लोग यहाँ पर इस सब में त्यौहार मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। दी सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर द होल मंथ, पूरे महीने यह त्यौहार चलता है। यंग मैन एंड वीमेन वियर गोल्ड कलर सिल्क, गोल्ड सिल्क सिल्क की कपड़े यहाँ के जवान लोग और औरतें पहनती हैं। एंड डू ए स्पेशल डांस कॉल, और एक विशेष नृत्य करती हैं जिससे बिहू डांस आ जाता है। बोट्स आर रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, बिहू के समय नाव की दौड़ होती हैं। मैनी टीम टेक पार्ट इन दीज रेसेस, इन दौड़ों में बहुत से दल भाग लेते हैं। एंड लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक, और किनारे खड़े होकर लोग इनको देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं।